देश के अंदर जो हालात खतरनाक हालात पैदा हुए हैं वो इस करके हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया संविधान देश के अंदर ईमानदारी सच्चाई के नाल लागू नहीं किया गया। संविधान के अंदर धार्मिक समाजिक आर्थिक सारिया ही पद्धतियां बारे संविधान आदेश दिता है, पर आज दे हाकम उस संविधान नू खत्म करने लई बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके साशा रच रहे हैं और उना साशा दा ये नतीजा है कि आज दिल्ली दे अंदर बड़ी गिणती विच किसान और कृषि जमा होके बहुत बड़ा अंदोलन कर रहे हैं। ये अंदोलन मेरे विचार विच केवल खेतीबाड़ी बारे सरकार ने जो जबरदस्ती 3 कानून पास किए हैं उन्हां दी मुखालफत करने ले नहीं है। उन्हां दी मुखालफत करना तो सही है, पर ये जरा इस वेले अंदोलन चल रहा वो देश दे अंदर जो कुछ हाकम टोला कर रहा जिस तरह संविधान नू पल पर पल बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह संविधान नू खत्म करने दी साशा हो रही है, उहदे खिलाफ भी बहुत बड़ा अंदोलन है। इस अंदोलन दे अंदर किस तरह बुजुर्ग बच्चे नौजवान तियां पैणा आके किस तरह दिल्ली बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे है इस मौसम दे अंदर। असीं अम्बेडकर ही उन्हां दे संघर्ष दे पूरी तरह नाल हैं। अज देश दे अंदर जेहे जे फिरकू हालात जेहे जे लोकां नू पाड़न दे हालात जेहे जे लोकां दी आजादी ते छापा मारन दे हालात पैदा किते जा रहे हैं। मिसाल दे तौर ते विधान बोलन दी आग्या दिंदा है, विधान जीवन दी रख्या दी आदेश दिंदा, विधान शिक्षा सारे लोकां नू देण दा हुक्म दिंदा, विधान लोकां अंदर प्रपण पैदा करने दी गल करदा, विधान दी जिहड़ी भूमिका है ओ लोकां दे अंदर आजादी बराबरी अते भाईचारा पैदा करने दा हल्फ लैंदा। ओ सारियां गल्लां नू खत्म करने लई सेंटर दी सरकार अपने ढंग दे नाल तानाशाही रवैये दे नाल जुल्म जबर कर रही है। असीं अम्बेडकर ये महसूस करदे आं कि जे इदां ही रही गल तां देश दे अंदर खून खराबा हो सकदा, देश दे अंदर सानू इह ये जो बिल है सबसे पहली खामी तो ये है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है। जो फार्मर बिल है ये अधिकार स्टेट्स को है, लेकिन यहाँ पर किसी स्टेट को पूछा ही नहीं गया है, किसी स्टेट ने, बल्कि सारे स्टेट तो विरोध कर रहे हैं। अगर इस कानून को, इस बिल को टेबल पर लाया जाता तो ऑब्वियसली सारे स्टेट मना कर देते कि हम हमारे स्टेट में ये कानून नहीं बनने देंगे। तो सबसे पहला खामी यह है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बनने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ का जो फार्मर है, किसान है, ये किसान अब उन्हीं के जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा, क्योंकि इन लोगों को अधिकार नहीं होगा। MSP हटा दिया है, APMC हटा दिया है, और ये सारा अधिकार जाएगा अडानी अंबानी के लिए, क्योंकि इन्हीं के पैसों के ऊपर मोदी जीत के आए हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हीं के आदेश पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये देश धीरे धीरे मोदी अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। तो ये मोदी समर्थक पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं, ये अंधभक्त भी नहीं बोल सकते इन लोगों को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या किससे पढ़ते हैं पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इस बात का, इस बिल का विरोध कर चुके हैं। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कल हमने प्रशांत भूषण जी को देखा, वो भी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो क्या मोदी भक्त दसवीं पास भी है? क्या नरेंद्र मोदी चौथी पास है? इस देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि बिल क्या है? ये सिर्फ अडानी अंबानी ने बना दिया, ये लागू करता है क्योंकि उसके पास नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, राज्यसभा में बहुमत है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में आप बहुमत में होंगे, संसद में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में है नहीं। देखो, ये तो मोदी जी की स्टाइल है, जब मुसलमान सीए का विरोध करने बैठ जाता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, जब शेड्यूल कास्ट के लोग उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में रास्तों के ऊपर आते हैं तब वो नक्सलाइट हो जाते हैं, और जब आप किसान रास्तों के ऊपर आ रहा है तब वो खालिस्तानी है। इसलिए मैं पूछता हूं, तो देशभक्त कौन है? जो तड़ीपार है, जो तड़ीपार थे अब यूनियन में मिनिस्टर बने हैं, क्या वो देशभक्त है? क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव बॉम्ब स्फोट में बेल पे है, अभी भी सजा खत्म नहीं हुई, बेल के ऊपर बाहर है, क्या ये देशभक्त है? क्या इनके नजर में ये लोग हैं देशभक्त? यही है ना, वो मोदी जी का सिर्फ जुमला होता है, मोदी जी का अमित शाह का सिर्फ जुमला होता है, लिखित में कुछ नहीं होता। तो ये देश के लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, पूरा मीडिया दिन भर इस बिल का समर्थन कर रहा है, आज तक समर्थन कर रहा है, बाकी रजत शर्मा समर्थन कर रहा है, ये सभी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या देश के लोग पागल हैं? क्या इन लोगों में एडवोकेट बैठे नहीं है? क्या इन लोगों में जजेस बैठे नहीं है? क्या हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो ये सिर्फ इन लोगों को, देश के जो लोग हैं अंधभक्त है, जो बीजेपी फेवर के हैं, उनको ये बताना है कि हम लोग ऐसे ही विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहा है इसलिए विरोध कर रहे हैं। क्या हम लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर ठंडी में बैठने के लिए हम लोगों को क्या मजा आता है? हम लोगों को हमारा काम करने दो, हम अपनी नौकरियां छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, शिक्षा छोड़कर यहाँ पर रास्तों के ऊपर बैठने के लिए नहीं आए थे? हम 5 साल यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं? आपको यहाँ पर हम लोगों ने चुनकर दिया है, इसका मतलब क्या हमको ही रास्तों के ऊपर उतरना पड़ेगा? इस तरह के कानून ये लोग बना रहे हैं। देखो, ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलते रहना चाहिए, इसी तरह से ये चलता रहेगा, सुने या नहीं सुने। लोकतंत्र में हम लोगों को विरोध करने का अधिकार है। जब तक आप हमें बताइए ये किस तरह से किसानों के समर्थन का है ये बिल, अडानी अंबानी ने पहले से ही अभी एकर एकर में वेयर हाउसेस बना के रखे हुए, कोल्ड स्टोरेज उन्होंने बना लिए हैं। यानी कल को हम लोगों को, इस देश के लोगों को, किसानों को छोड़ दो, आम आदमी को अगर कोई सब्जी खरीदनी है तो वो सिर्फ अडानी और अंबानी से ही खरीदी जाएगी। तो इस तरह से ये कानून पूरी तरह से किसानों को और देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए। पहली बात तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा कि विपक्ष है कहां पर? राहुल गांधी जी तो बाहर, देश के बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। इस देश का जब विपक्ष नहीं होता, इस देश का जब विपक्ष मर जाता है, सो जाता है, तब इस देश के लोग विपक्ष की भूमिका करते हैं। और इसलिए ये किसी पार्टी का नहीं, ये देश के लोग हैं जो विपक्ष का काम कर रहे हैं। ये अंदरूनी मामला नहीं है, देश का संविधान अंदरूनी मामला नहीं है, देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अगर इस देश के संविधान का एक भी आर्टिकल के साथ छेड़खानी होती है तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। ये लोग हमको बहका रहा है कि अंदरूनी मामला है, हम अपना अपना देख लेंगे, ऐसा नहीं है, ये अंदरूनी मामला नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट, किसानों के फंडामेंटल राइट्स, ये लड़ झगड़ कर 200 साल यहाँ पर ब्रिटिशों ने जब राज किया तब लड़ झगड़ कर हमारे लोगों ने उनसे छीने हुए हमारे अधिकार है, ये इतने आसानी से हम लोग इसको गवाएंगे नहीं। देखो, अडानी अंबानी ने मोदी को लाने में सहायता की है, जेट प्लेन्स दिए है, करोड़ों रुपए दिए हैं, और इसलिए इनके पैसों के ऊपर चुनकर मोदी जी ने अपना साम्राज्य स्थापन किया है। और इसलिए बदले में अब मोदी जी इनको राफेल दे रहे हैं, इनको अभी किसानों की जमीनें दे रहे हैं, वेयर हाउसेस दे रहे हैं, ये सारा अब गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है। यानी चुनाव जीतने के लिए अडानी अंबानी इनको मदद करेंगे और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी व्यवस्था खड़ी करेंगे। जब भारत का जीडीपी 23.9 पर गिर चुका था तब देश में अंबानी 7वें क्रमांक पर आ गया था वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में। तो एक बात मुझे बताइए, जब देश का जीडीपी गिर रहा है तब देश का एक आदमी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है? उसको भी तो, उसका भी इनकम नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अंबानी 7वें क्रमांक पर आता है। देखिए, यह बिल अगर लागू हो जाता है तो किसान जिस तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं उस तरह से किसान बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा।
ये स्मृति ईरानी तो एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो पहले दसवीं पास नहीं थी, फिर दसवीं का सर्टिफिकेट जाली लेकर आई, अब बारहवीं पास का जाली लेकर आई, ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है इन लोगों को तूल देना भी कोई इम्पोर्टेंस देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं होना चाहिए। इस देश का प्रीएम्बल लिखता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और इसलिए ये किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं किसान नहीं हूँ, मैंने मेरे पुश्तों ने कभी हल नहीं चलाया, लेकिन फिर भी मैं आज इस आंदोलन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भारत का एक इंसान हूँ, इस देश में रहता हूँ। ये किसान अगर काम नहीं करेगा तो मैं मेरे घर में चूल्हा नहीं जल सकता। इसलिए हम लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि किसान के लिए हम खड़े रहेंगे, हमारे लिए किसान खड़ा रहेगा, विद्यार्थी भी यहाँ पर खड़े रहेंगे, गृहिणी खड़े रहेंगे। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, देश के लोगों का है। किसान नेताओं का ये कहना है कि ये तीनों कानून पूरी तरह से वापस लिए जाए और नए तरीके से पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए और वो पूरी तरह से किसानों के साथ सलाह मशवरा करके बनाए जाए, जिसमें कानूनी रूप से एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। तो हम लोग वामसेठ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन के द्वारा जो 14 तारीख का धरना प्रदर्शन का किसानों का देशव्यापी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और पूरे संगठन शक्ति के साथ समर्थन करते हैं और कार्यकर्ताओं को देश भर के हिदायत दी जाती है, निर्देश दिया जाता है कि वो इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करे। इसके अलावा किसान नेताओं को और देश भर के किसानों को बड़े पैमाने पर भारत बंद होने के बावजूद भी और किसानों को किसानों के साथ साथ गैर किसान समाज के लोगों का भी बहुत भारी समर्थन मिलने के बावजूद भी, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का भी देश भर में समर्थन मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए रजामंद क्यों नहीं है, राजी क्यों नहीं है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ऐसा विचार करते हैं कि चाहे किसान कितना भी आंदोलन करे, जब तक हमारे पास ईवीएम है तब तक हम ही चुनाव जीत सकते हैं। अभी हैदराबाद में महानगरपालिका का हैदराबाद का चुनाव हुआ, मगर वहां ईवीएम मशीन ना होने की वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उनको 49 सीटें मिली, 150 में से 49 सीटें मिली। मगर यदि ईवीएम मशीन से चुनाव हो गया होता तो हैदराबाद में बीजेपी का मेयर बन गया होता, दावे के साथ कहा जा सकता है। और चंद्रशेखर राव को इस बात की पूरी भनक थी, जानकारी थी, और इस वजह से उन्होंने ईवीएम मशीन के द्वारा हैदराबाद कारपोरेशन का चुनाव होने नहीं दिया और बैलेट पेपर से करवाया, इस वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अभी भी सारे देश भर में अगर ईवीएम से चुनाव रोक दिया जाए तो अगले चुनाव में, किसी भी राज्य के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के विरोध में कानून बनाए, मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, माइनॉरिटीज के विरोध में कानून बनाए, 52% ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती करने से इनकार कर दिया,
सारे एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोध में फैसले किए। अयोध्या में जबरदस्ती से राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम चलाया गया। ये और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि देश की बहुसंख्यक जनता केंद्र सरकार के विरोध में है। मगर केंद्र सरकार को पूरी गारंटी लगती है कि जब तक ईवीएम मशीन है तब तक हम ही चुनाव जीत सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास उनके अंदर आया हुआ है ये ईवीएम मशीन की वजह से आया हुआ है। मगर किसान नेता इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता ये फैसला जब दिया तो ये किस आधार पर राजनीतिक मामला है ये मेरे समझ में नहीं आता है। अगर राजनीतिक दल के लोग और राजनीतिक केंद्र सरकार राजनीतिक द्वारा ही काबिज जो सरकार है वो अगर केंद्र सरकार राजनीति के द्वारा ही काबिज सरकार है तो किसान नेताओं के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है ये आंदोलन बिल्कुल भी गैर राजनीतिक है ये किस आधार पर कहा जा सकता है ये भी तर्कसंगत बात लगती नहीं है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि हम लोग किसान का समर्थन नहीं करना चाहते। हम लोग किसान के आंदोलनों का समर्थन करना चाहते हैं मगर इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी जिसकी सारे दुनिया में प्रतिक्रिया होने के बावजूद भी केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जो केंद्र सरकार ने जो बातें स्वीकार की लिखित रूप से प्रस्ताव भेजा अगर केंद्र सरकार उस बात को मानने के लिए रजामंद हो जाती है तो जो कानून है वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगा। अगर पूरी तरह से प्रभावहीन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है तो फिर केंद्र सरकार इन कानूनों को पूरी तरह से पीछे लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी ने इसे अपने अहंकार का मसला बनाया है और ये अहंकार उनको चुनाव जीतने के ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव जीतने का जो विश्वास है उसकी वजह से आया हुआ है। इस पर किसानों को गंभीरता से विचार करने की बहुत जरूरत है।